और नर नारायण जी है। भाई साहब ये देखिए, ये है हमारे भोले भंडारी से शंकर भोलेनाथ महादेव। तो भाई साहब आज है सावन महीने का तीसरा सोमवार, तो हम निकले हैं भगवान कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए, बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए विट्टूजा, जो हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है। तो ये देखिए ये पोल बनी हुई है विट्टूजा की। तो भाई साहब ये रास्ता जाएगा विट्टूजा, ये देखिए बाबा रामदेव जी। तो गाइस ये देखिए कमलेश जी और महाराज चढ़ गए हैं ऊपर गाड़ी पर, और हमारी ओ माय गॉड मुझे पीछे छोड़ दे, ये मैं जा रहा हूँ। तो भाई साहब ऐसे एंकरिंग करते हुए हम भी पीछे रह जाएंगे यार। तो चलिए चलते हैं बाबा रामदेव जी की मंदिर। गाइस अभी है गाड़ी पर और हमारे कमलेश भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं बहुत ही तेज बहुत रफ्तार में। आप आगे देखिए भाई साहब, आप ले लेंगे काम ठीक है, रोड पर फोन दे देता। तो अभी यहाँ पर फोन गिरने का रिस्क है, तो हम डाल देते हैं अपने सेफ के अंदर। तो गाइस हम आ गए हैं विट्टूजा धाम बाबा रामदेव जी के मंदिर पर। ये देखिए ये फॉल बनी हुई है, इसके अंदर एंटर करने वाला है। तो देखिए हम जैसी गाड़ी दौड़ा रहे हैं जोरदार स्पीड में, और ये सारे दिखाना साथ हम विट्टूजा धाम पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ पर गाड़ी ड्रॉप कर लेंगे और अंदर जाकर दर्शन करेंगे बाबा के। तो हम पहुँच चुके हैं विट्टूजा धाम और अंदर जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए कुछ ऐसा हाल है विट्टूजा। तो भाई साहब बताइए कहाँ से शुरू करें। ये है विट्टूजा धाम, भाई साहब हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो कर रहे हैं अंदर प्रवेश। और साहब तो ये है भगवान महंत। ना हम तो यार बहुत ही ना जॉब। तो भाई साहब हम आए अंदर, अंदर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो कमली जी थोड़े सबके घूम रहे हैं, चलते हैं अंदर के। भाई यहाँ पर लिखा है रामदेव जी के हाथ से रखी गई निशानी, तो कुछ गौर कीजिए यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो रखी गई है जिसके लिए ये विट्टूजा धाम पूरी तरह से फेमस है, और कहीं दूर से बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए दर्शन करने के लिए बाबा जी के। और ये कमलेश जी बहुत ही दूर से आए हैं पैदल नंगे पाँव आए। तो भाई साहब देखिए हम आए हैं उस जगह विट्टूजा धाम की, उस जगह पर आए हैं जहाँ पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। तो देखिए ये देखिए सारे जो देवतागण हैं उनकी मूर्ति और स्थापित की गई यहाँ पर। देखिए चलिए दिखाते हैं आपको एक एक वीडियो। तो ये है कृष्ण भगवान राधा संग खेलते हुए, ये कौन है पता नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं दिखाई गई है इन मूर्तियों के सहारे। और ये द्रौपदी वस्त्र हरण, और नर नारायण जी है। Thank you.
माँ सरस्वती विद्या की देवी आर्य बाबा रामदेव जी का इतिहास दिख रहा है भाई साहब। ये हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं जिनका इतिहास है वो इन मूर्तियों में बताया गया है, दिखाया गया है। और ये देखिए ये हैं, क्या नाम था इनका, मातृ पितृ भक्त श्रवण, तो गाइज अभी आपने किए हैं 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन। अभी हम करवा देते हैं आपको भगवान महादेव जी के दर्शन करवा देते हैं, भोलेनाथ शिव भंडारी शिव शंकर के दर्शन करवा देते हैं। उनकी विशाल गाय मूर्ति है यहाँ पर, ठीक है वो भी दिखा देते हैं आपको। ओ भाई साहब ये देखिए, ये है हमारे भोले भंडारी शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, हर हर शंभु हर हर महादेव। तो ये है महादेव जी की विशाल गाय मूर्ति जो है वेटुजा धाम पर। तो अभी यहीं पर भी दर्शन करेंगे, यहाँ पर भी दर्शन करेंगे। हमारे वाले तो वहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं भाई दिख गए ठीक है। हमारे बंधु सखा थक हार कर बैठे हैं, प्रसादी की मजे ले रहे हैं, प्रसाद खा कर पेट भर रहे हैं अपना, पूरी तरह से प्रसाद पर डिपेंड है ये। तो चलिए गाय जिनसे दूर चलते हैं और चलते हैं अपने, आपको तालाब दिखाते हैं हम, ब्रिटिश गाँव का तालाब दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देखिए खतरनाक। तो भाई साहब देखिए ब्रिटिश धाम पर भी दर्शन कर लिए बाबा के, अभी जा रहे हैं घर, तो घर जाकर आराम फरमाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, अगर यूट्यूब पर चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी भी दबा देना, क्योंकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो घंटी के सारे ही मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद। Congrats.